हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट अवेक। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई मूवी है जिसकी ओवरऑल लेंथ 1 आवर 30 मिनट्स की, और ये आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये है कि क्या ये नेटफ्लिक्स की बर्ड बॉक्स बन सकती है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। लेकिन सबसे पहले हम लोग प्लॉट की बात करेंगे कि कहानी फोकस करती है जील, जो कि एक एक्स सोल्जर है, लेकिन फिलहाल ये एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही है एक यूनिवर्सिटी में, और साथ साथ ये चोरी भी करती है। एक जॉम्बी पील है, उसको चोरी करके ये बेचती है। जील के दो बच्चे हैं, नुआ और मटिल्डा। अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब एक दिन सडनली पावर कट हो जाता है, यानी कि पूरी दुनिया की लाइट चली जाती है, यानी कि उनके घरों की लाइट चली जाती है, और साथ साथ जितने भी तमाम लोग हैं उनको नींद ना आने की बीमारी हो जाती है। भाई सोचो, नींद ना आने की बीमारी। अब उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। फिर आप बात करेंगे इस मूवी के कॉन्सेप्ट की, जो कि बहुत ही यूनिक है। मतलब कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं मूवी के जो अनइमेजिनेबल होते हैं, यानी कि ये आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जा सकती। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही यूनिक लगता है, लेकिन इसका जो एग्जीक्यूशन है वो उतना ही ज़्यादा पुअर है। साला 1.5 घंटे की मूवी, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, 1.5 घंटे की मूवी मुझे 2.5 घंटे की लग रही थी। मूवी की जब स्टार्टिंग हुई तो मुझे लगा अब कुछ होगा, और वो अब कुछ होगा के चक्कर में पूरी मूवी खत्म हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। उसके मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो देखिए, यहाँ पर आपको ज़्यादा कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे। बेसिकली ये एक फैमिली की कहानी, यानी कि झील उसके दो बच्चों की, तो उनको अच्छी तरह से मूवी में बताया, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इमोशनल कनेक्शन होना चाहिए ना, वो हम इन कैरेक्टर से नहीं बना पा रहे थे, एटलीस्ट मैं नहीं बना पा रहा था। मूवी की सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, मतलब कोई एक बड़े बजट की मूवी नहीं है, मतलब इनके पास जो एक लिमिटेड बजट था उसमें ये पूरी मूवी शूट हुई, तो मतलब आप कहीं ना कहीं फील करते हो कि यार ये कोई बड़ी हॉलीवुड की मूवी तो नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आप लोग सोच समझ के एडजस्टमेंट कर लोगे। BGM अच्छा है, लेकिन जो उसकी कहानी, जो स्क्रीन प्ले होना चाहिए था ना, वो कहीं ना कहीं चूक जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि यार ये एक ऐसी मूवी है जिसमें उन लोगों ने वो जो सारी चीज़ें हो रही हो उसको सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब बिना एक्सप्लेनेशन के उन्होंने एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर मूवी बना दी जो उनको आई थिंक खुद ही नहीं पता था कि वो लोग को आगे कैसा बढ़ाना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली बात है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो यस, सब लोगों ने यहाँ पर काम अच्छा किया। पैरेंटल गाइडेंस की बात करें तो यस, ये मूवी में आपको एडल्ट सीन तो देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ भाई, जो डबिंग है उसमें थोड़ी बहुत गाली गलौज सुनने को मिल जाएगी, तो आप लोग चाहो तो देखो भाई, आपकी मर्जी। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 5 आउट ऑफ 10। मैं इतना ही बोलूँगा कि अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, अगर आपके पास 1.5 घंटे है, तो भाई ये मूवी देखो। लेकिन अगर आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी को डाउनलोड करके देखना चाहते हो या बस आपको देखना ही है, तो मैं बोलूँगा कि यार शायद आपको उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। लेकिन बोलते हैं हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, किसी को गधा भी अच्छा लगता है, किसी को घोड़ा भी अच्छा लगता है, तो भाई आपकी अपनी मर्जी है यार। बस ये वीडियो देख ली, उसका मैं आप लोगों को थैंक यू बोलता हूँ, बाकी जो करना है करो यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।